हाँ तो सर जरूर कोई ना कोई खास बात तो फिल्म की रही ही होगी जो आप फिल्म करने के लिए तैयार हुए हैं. यू नो आपका फिल्म का चॉइस हमने हमेशा देखा है. आप बताइए क्या अच्छा लगा फिल्म. बुरा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. तो आप बताइए इस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा जो आपने इस फिल्म को करने के लिए मैं एक अपना अभिनेता हूँ और मुझे अलग 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 ट्रैक खेलने में बहुत मज़ा आता है। कभी किरदार, कभी साहित्य, लिटरेचर। मेरे कैरियर में शायद ये पहली फिल्म है जो किसी लिटरेचर के ऊपर आधारित है, उस पर बन रही है वो फिल्म। तो बहुत मुश्किल से चांस मिलता है यार एक एक्टर को कभी इंडियन लिटरेचर के साथ या किसी कंट्री के या किसी भाषा के लिटरेचर के साथ वर्क करने का। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो हमने ये फिल्म चूज़ की। ओके सो थोड़ा सा बताएंगे अपने किरदार के बारे में. देखिए, मैं किरदार फिल्म देखने, अपनी ही फिल्म देखने के बाद मुझे समझ में आता है ये मेरा किरदार है, क्योंकि फिल्म में किरदार मुझे लगता है कि उसका मौत पहले हो जाता है, बाद में उसका बचपना शूट करते हैं, तो वो एक सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है कि एक महीने की शूटिंग में आप क्या पोर्शन क्या कब कर रहे हैं, क्या पोर्शन कब क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी फिल्म देख लेते हैं तब आपको लगता है अच्छा, क्योंकि एडिटर भी है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जितना मैंने सोच के किया, एक मौका परस्त आदमी है, चाहता तो पढ़ लिख भी लेता, लेकिन नहीं, उसको पढ़ लिखने के बाद नहीं पता क्या करना है, तो थोड़ा पढ़ा, थोड़ा लिखा, थोड़ा देहाती ही रहा, क्योंकि उसके अंदर एक देहातीपना भी था। और जितना पढ़ा लिखा उसी से वो, जितना मौका परस्ती जो भी कुछ हाथ में आता है पकड़ लेता है। बहुत कम लोगों के साथ ज़िंदगी जी रहा है, बहुत ज़्यादा एम नहीं है लाइफ का बहुत। इसलिए मैं कह रहा था कि लिटरेचर मतलब इतिहास को इतिहासकार ही नहीं लिखता, इतिहास साहित्यकार भी लिखता है। इतिहास साहित्यकार इसलिए लिखता है कि आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले उस समय की ये दुनिया थी, उस समय का ये हिंदुस्तान था। तो ये उस समय के हिंदुस्तान का चित्रण और आज का एक एक्टर, ये भी एक वजह थी। करने को तो मैं धमाल भी कर लेता हूँ, आंखों देखी भी कर लेता हूँ, आज का ही चरित्र आज का वो। लेकिन जब आप इधर आते हैं तो चरित्र उस वक्त का होता है जिसमें उस वक्त के भारत को दर्शाया जाता है साहित्य के थ्रू, अब वही चीज़ फिल्म के थ्रू। तो मैं लकी एक्टर हूँ कि मैं एक लिटरेचर पर बनी आधारित फिल्म कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा है ना, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, कुछ अलग अंदाज इस वाले किरदार में देखने को मिला आपको आपकी तरफ से. मौका परस्ती, जहाँ देख बोरिया वहीं जाके सोरिया, जो जनरल एक उस तरह के वातावरण में रहने वाला आदमी जितना उड़ सकता है उतना ही होता। तो ये एक अलग चरित्र भूमिका है। बाकी आंगिक अभिनय में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा ऐसा सा एक चेंज है। कई सारे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है आपने. यू नो इनकी ये इनका कहना है कि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है. अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में कितने खरे उतर पाए डायरेक्शन में. पहले आपने पूछा था कई तरह के डायरेक्टर के साथ काम किया है मैंने। मुझे नए लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है, जिनका काम मैं देखा नहीं होता हूँ या बहुत दुनिया देखी नहीं होती। कुछ तो नया होगा, अगर नहीं भी है नया तो हम देखते हैं क्या निकलवा सकते हैं। एक बड़े हलवाई से जो बहुत बढ़िया कढ़ी बनाता है वो तो वैसे ही बनाता रहेगा क्योंकि उसकी कढ़ी वैसे ही चलती है। एक नया हलवाई जो कढ़ी बनाना सीख रहा है,
उसमें से आप एक एक चम्मच खाते रहे, थोड़ा सा ये डाल देता तो आए हाय, थोड़ा सा ये डाल देता तो ये एक बड़ी, मैं अपने को मानता हूँ कि नए लोगों के साथ काम करने में, नए एक्टर्स के साथ काम करने में, नए कैमरामैन, नए डायरेक्टर के साथ काम करने। अब रहा इस डायरेक्टर का सवाल, सांसें लेता है, खाना खाता है, लेकिन एज ए मेकर इसके ऊपर एक बोझ ये भी है कि इसने लिटरेचर उठाया हुआ है, अपनी लिखी कहानी को या आज की किसी कहानी को नहीं शूट कर रहा है। आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ देखते हैं, उससे अलग दुनिया को उठाना है आपको। अब वो उठाने में वो सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता, वही उसका पूरा प्रोजेक्ट होता है, ड्रीम। या ड्रीम में ड्रीम दिखा पाते हैं, आपकी अपनी सोच, अपनी अपने सपने को आप दूसरों तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते हैं, यही एक नए डायरेक्टर का एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम में इसने विषय बहुत गहन चुन लिया है, लिटरेचर। हाँ, उसको इनकी फिल्म आने के पहले भी कई लोगों ने पढ़ रखा होगा। अरे पढ़े थे तो कुछ अलग लग रहा था, ये क्या बना दिया। अबे पढ़े थे जैसा वैसा ही दिख रहा है, अबे पढ़े थे जैसा उससे ज़्यादा अलग हो गया यार। तीन रिएक्शन होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ दो रिएक्शन तो कम से कम वर्क करेंगे। एंड एक्ट्रेस भी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं एक्ट्रेस है। उनके हस्बैंड का जो रोल किया है वो भी बिल्कुल नया है, ड्रामा स्कूल का है। बाकियों का तो मालूम है, आप जिनके साथ हमेशा काम करते रहते हैं कि आप ऐसे बोलेंगे तो ऐसे रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन आएगा। और शिखा हम लोगों के करीब हैं तो कभी कभी लगता था ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है, चलो शायद ऐसा सोच रही है, दे रही है, लेकिन फिल्म में वो अच्छा लग जाता है। तो वहाँ पर आप उनसे सीखते हैं, है ना। किस बात के लिए? तान्या जी फिल्म जो है, जी जी, अच्छी काम कर गई, आपने एज अ डेब्यू किया है वॉइस ओवर के। ये मेरा पहला काम है किसी फिल्म का वॉइस ओवर देना, और ताना जी ऑब्वियसली एक बहुत कमर्शियल फिल्म है। कमर्शियल फिल्मों में मैं कॉमेडियन के रूप में जाना जाता हूँ, और ओम, अजय भाई, इन लोगों को पता नहीं मेरे वॉइस में क्या दिखा, क्या सुनाई दिया। इन्होंने मेरे वॉइस से ताना जी जैसे सीरियस सब्जेक्ट को, हिस्टोरिकल फिल्म को शुरुआत की है। अभी मैं खुद ही उस चीज़ में घुसा पड़ा हूँ, ऐसा क्या निकल आया तेरा। मैंने फिल्म अभी देखी नहीं है, लेकिन लोगों से तारीफ सुन रहा हूँ। और एक बड़ा अच्छा लगता है जब आप फिल्म के होते हुए भी फिल्म के नहीं हैं और आपके वॉइस ओवर को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुड। आपने देखी फिल्म? अभी तक नहीं। तो अब आवाज़ की बात कहाँ से सुन ली बे? अच्छा अच्छा, मैं मार सीरियसली बोले, मैं सीरियसली बोले जा रहा हूँ। यस जी जी जी, अभी तक उसकी शूटिंग नहीं शुरू हुई है, लेकिन कांचली और भूल भुलैया दो अलग अलग स्कूल ऑफ फिल्म है सिनेमा ही, बट दो अलग 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 स्कूल ऑफ फिल्म है। तो मज़ा आएगा, अनीस बजमी के साथ हमने काम किया हुआ है, और मैं जानता हूँ वो थोड़ा कादर खान ऑफ टच वाले। वही मैं कह रहा हूँ कि एक्टर के ज़िंदगी में कड़वी हवा, आँखों देखी वगैरह वगैरह वगैरह, और एकदम ये भूल भुलैया या धमाल, तो सीरियस जिसको कहते हैं सिनेमा और एक कमर्शियल, तो दोनों के बीच में इत्तफाकन अच्छा है मेरे साथ कि मैं दोनों तरह की कांचली भी पकड़ लेता हूँ, भूल भुलैया भी पकड़ लेता हूँ। ऑडियंस को पसंद आता है तो मैं क्या करूँ। अब ऐसे समझाऊंगा तो अपनी भाषा में नहीं समझाऊंगा, मैं एक क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। मैं एक सिनेमा का बंदा हूँ, मुझे सिनेमा में मज़ा आता है, मुझे कैमरा में मज़ा आता है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा आता है, मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है, मुझे बैकग्राउंड में मज़ा आता है, मुझे आर्ट डायरेक्शन में मज़ा आता है, मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है। ये मेरा काम है,
और उसी में कॉमेडी भी आ जाता है और सीरियस भी आ जाता है। तो ये नहीं कि आज मैं कॉमेडी करने जा रहा हूँ तो बहुत मज़ा लेके जाऊँगा, आज मैं सीरियस करने जा रहा हूँ तो बिल्कुल ही रोगा के। मेरे लिए वो काम है, मेरे लिए क्रिकेट खेलना है, मेरे मुझे सिनेमा से रिलेटेड रहना है। अगर मैं एक्टर नहीं भी बन पा रहा होता तो शायद थोड़ा इधर ही उधर करके कहीं एडिटिंग रूम में चाय पिला रहा होता, अगर या फिर कहीं आर्ट डायरेक्शन कर रहा होता, रहता सिनेमा से ही रिलेटेड। तो मुझे मज़ा हर तरह के सिनेमा में करने में आता है। मुझे उस मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं थिएटर से बहुत दूर हूँ लेकिन थिएटर मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जब मैं शॉट दे रहा होता हूँ तो 50 लोग घेरे होते हैं, आँख से ऐसे देख रहे होते हैं, तो वो उस समय वो शॉट वो सीन मेरे लिए थिएटर है। मैं तुरंत कट होता और लोगों को देखता हूँ, कहाँ भाई हाँ ठीक। 2020 की शुरुआत हुई है, आपकी तरफ से फिल्में हैं बहुत सारी आने के लिए, यू नो हर एक्टर को एक रहता है कि ये वाली फिल्म के लिए थोड़ा ज़्यादा मुझे एक्साइटेड करती हैं जो आने वाली हैं। जैसे कामयाब एक अलग जॉनर की फिल्म है, उसका रिएक्शन मुझे जानना है कि अरे क्या देखा लोगों ने, क्या पाया। ग्वालियर मेरी एकदम अलग जॉनर की फिल्म है, होली काउ ये सब कांचली के बाद वाली रिलीज वाली, होली काउ बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्म है। अरे अच्छा होली काउ, अरे यार समझ रहे हैं आप, कांचली एकदम ही अलग जॉनर की फिल्म, उसको देख के लोगों का क्या रिएक्शन, अच्छा वो ऐसे ही है जैसे करते हैं। मेरे लिए एक्साइटमेंट किसी एक पिक्चर के लिए नहीं है, मेरे लिए एक्साइटमेंट हर पिक्चर के लिए है। लेकिन क्या होता है कि किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, आंखों देखी जब मेरी देखी लोगों ने, अरे संजय सर ये रिएक्शन मैंने और अपने ऑडियो क्या भाई ढोलू जैसे क्या क्या पापा लाला ताता साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे रिएक्शन में आपको अच्छा। कोई कांचली देख के कह दे कितने कमीने बने हैं आप, आए आए तो एक संतुष्टि मिलेगी। इतने समय से काम कर रहे हैं आप, मतलब हर एक्टर का कुछ ना कुछ थॉट रहता है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म के बनने के तरीके में, फिल्म रिलीज होने के तरीके में, फिल्म के प्रमोशंस में, किस तरीके का चेंज आप देखते हैं? देखिए मैं कोई ब्लैक एंड वाइट एरा का एक्टर नहीं हूँ, कबूतर जा 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 कबूतर आ ऐसे ही फिल्मों के हीरा का एक्टर हूँ। सबसे बड़ा चेंज जो सिनेमा में है, दो चेंजेस बहुत तगड़े आए, एक डिजिटल और एक ऑडियंस। सिनेमा में ये दो बहुत बड़े चेंजेस हैं। ऑडियंस बहुत चेंज हो गई है और सिनेमा जो पहले एक नेगेटिव एक फिल्म पर कड़ बनता था, एक डिसिप्लिन होती थी। मैंने किया है उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उस फिल्म मेरा जब ख़त्म हो रहा है तो उस दौर का एक्टर हूँ मैं फिर डिजिटल पे, तो वो जो एक डिसिप्लिन होता था कि बॉस ये रील वेस्ट हो जाएगा अगर ये गड़बड़ हुआ तो वो एक अलग चीज़ थी। वो जो चेंज है, और अब सिनेमा ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आपके पास सॉफ्टवेयर है जहाँ आप एडिट भी कर सकते, तो आप अपने घर में ही अपने मम्मी पापा अपने बीवी बच्चे का भी एक सिनेमा एक स्टोरी बना सकते हैं। तो इतना नज़दीक आ गया सिनेमा, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और दूसरा ऑडियंस का कंटेंट के लिए डिमांड जो है ये बहुत बड़ा चेंज। ऑडियंस का डिमांड अगर कंटेंट के लिए बढ़ रहा है तो मेकर्स को भी कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा बनाना होगा। ये बहुत बड़ा मैं चेंज देख रहा हूँ। अभी हाल ही में हुआ, आपने जब टर्टल नेशनल अवार्ड विन किया था फिल्म में, आपने कहा था कि वो एक नेशनल अवार्ड जाया जा रहा है बिकॉज़ उस फिल्म को कोई जानता नहीं है, क्या वजह? बिकॉज़ उस फिल्म को कोई नहीं जानता ना, नेशनल अवार्ड जिस फिल्मों को मिलता है उस फिल्मों को दर्शक तक पहुँचाने के लिए कोई क्या कर रहा है, क्यों मिला है नेशनल अवार्ड? आप मुझे बताइए किस वजह से मिलता है नेशनल अवार्ड? अच्छी है फिल्म अच्छी है तो क्या आप नहीं चाहेंगे
कि एक अच्छी चीज़, एक अच्छी दवा, अदरक खाओ सुबह, बहुत बढ़िया होता है। कुछ मत करो, लहसुन दो खा लो, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, ये तो आप डिस्कस करते हैं, लेकिन एक अच्छी फिल्म है आप क्यों नहीं देख बोलते किसी को देखने के लिए? भाई जब मेरी फिल्म टर्टल या कांचली, क्या पड़ी थी प्रोड्यूसर को कि कांचली ही बनवाओ या टर्टल बनवाओ, पैसे लगा रहे हो, कुछ भी बनवा लो, हा हा ही चू चू चाचा। एक बंदा सिनेमा में पैसे लगा रहा है एक विशेष किस्म की फिल्म बनाने में, और विशेष किस्म जो अलग है उन पिक्चरों से, उसको आप नेशनल अवार्ड दे रहे हैं, उसको वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन उस वाह वाह को आप एक बार, टर्टल कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि मतलब उसको जो हर स्कूल में दिखाना चाहिए। हिंदुस्तान के सारे स्कूल में अगर दिखाई जाए तो मालूम चले पानी की समस्या क्या है। 40 साल बाद ऐसा ही होगा बच्चों। तो नेशनल अवार्ड का एक पोस्टर बना के घर में लगाना, या भाई क्यों नहीं भाई, आप सरकार मतलब नेशनल नेशन के जो भी लोग उस समिति में हैं वो लोग चुन रहे हैं, उस पिक्चर को दिखाइए कि देखिए सर आपके शहर में एक थिएटर में ये भी फिल्म लगी है जिसको हम बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड दे रहे हैं, देखिए। तो फिर कोई एक तो होगा जो सिनेमा को मतलब कैमरामैन बनना चाहता होगा, वो जाकर के देखेगा तो सही, हाँ यार अच्छा सिनेमा ऐसा होता है, वाओ। इससे आप अपने कल्चर को मजबूत कर रहे हैं। कल्चर और भी कुछ है तो ये भी एक कल्चर है ना। किस तरह से मतलब नेशनल देखिए, आप जितना 400, 500, 700 करोड़ वाले पिक्चरों पर टैक्स लगाते हैं, इनको क्या मिलेगा? 30 करोड़, बहुत डिफरेंस है मैडम। 30 करोड़ की फिल्म पर भी उतना ही टैक्स लगाइए, हैं? शिप बेचने वाली कंपनी और गोभी वाले पर बराबर ही टैक्स लगा रहेगा तो कहाँ से जिएगा गोभी वाला? तो आप वैसा कुछ है, कम टैक्स दीजिए, टैक्स माफ़ कीजिए उसका। कुछ सिनेमा घरों को ऑर्डर हो कि ये पिक्चरें साल में इस महीने में ये पिक्चरें लगेंगी और आपको दिखाना होगा, हम आपसे कम पैसे लेंगे। सीधी सी बात, उसको आप थोड़ा सा कि भाई आपके शहर भागलपुर में 3 फिल्में लगी हैं जिसको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का फिल्म मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, बेस्ट एक्टर का मिल रहा है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का मिल रहा है, बेस्ट डायरेक्टर का, ऐसी 5 फिल्में हाउसफुल तो नहीं जाएंगी, तीनों तीन तीन दिन का जो फ्राइडे सैटरडे संडे शो होते हैं वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अंदर जितने भी लोग बैठे होंगे सेंसिबल लोग बैठे होंगे कि ठीक है एक अच्छी फिल्म हम देख रहे हैं, तो ये हुआ प्रमोशन, बस मेरा इतना ही कहना है। अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ। जो पहली फिल्म हमने की थी, मतलब जो उसके शुरुआती दौर की फिल्म थी, उसमें मैं उनके साथ था, घर गई लौंडा लगता था, और ऐसा नहीं चेंज हुआ होगा वो, मैं जितना सोच रहा हूँ। हाँ उसका दिमाग थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा शार्प हुआ है, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में पकड़ रहा है, अलग किस्म की भूमिका करने की कोशिश कर रहा है, तो मैच्योर तो हुआ होगा वो, लेकिन वैसे ही रहा होगा, एक्टर चेंज वेंज नहीं होते, हो जाते हैं तो फिर हो जाते हैं। हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल, तो वो एक्सपीरियंस वही, तो इतने अच्छे अच्छे कंटेंट वाली फिल्में कर रहा है वो, मज़ेदार फिल्में कर रहा है, तो और वक्त वक्त बहुत चेंज करता है आपको, चाहे आप फिल्म कर रहे हो ना कर रहे हो। हाँ जी देखिए, एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ केमिस्ट्री बिठाना चाहता है, वो केमिस्ट्री हमारी सही बैठ जाए, बस और क्या चाहिए जीने को ऑप्शन। ओके सर, अंत में जाते जाते एक बार बता दें हमें काशली कब देखने के लिए मिलने वाली है। 7 फरवरी को मिलेगी,
देखने को, एक खूबसूरत फिल्म है और सिनेमा का कभी भी या किसी भी इंटरटेनमेंट का कभी ये मतलब नहीं हुआ कि हा 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 ही हू। इंटरटेनमेंट मतलब जो सिनेमा के 2 घंटे में आपने देखा, बोर नहीं हुए, कुछ नहीं हुए और एक सवाल लेके गया अपने साथ, तो इस तरह की फिल्म है। 7 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, सब नए लोग हैं, हमें नए लोगों को बढ़ावा देना चाहिए कम से कम इस लेवल पे कि चलो भाई ये सोचता क्या है ये बंदा, आओ देखें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के। आपका भी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हाय शिखा। हाय। सो यू नो पोस्टर में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर आपको, आप बताइए कैसा रहा अनुभव इस फिल्म में काम करने का? अनुभव बहुत ही अनूठा रहा। सबसे पहले तो आई फील ब्लेस्ड कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री में आते हैं वो मैटर करता है। बीइंग अ यूथ मुझे ये मौका मिला कि ऐसे टाइम पे जब नारी स्वतंत्रता की बात हो रही है उस समय पे मुझे ये मौका मिला सिनेमा के ज़रिए अपनी पहली फिल्म में ये बताने का सभी को, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, लोग उनको मानते हैं बहुत कुछ, उनके लिए वो एक, उनको नहीं पता कि बैक ऑफ द कैमरा क्या है या ये नकली है, उनके लिए तो यही एक दुनिया है। आप, आपके एडमायरर्स होते हैं, आपसे इंस्पिरेशंस लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है कि वन कैन बी इंडिपेंडेंट और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट होकर जीवन बिता सकती हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, कोई मजबूरी नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट कांचली, तो वो आई फील रियली रियली ब्लेस्ड टू गेट दिस रोल। कितना मुश्किल रहा ये रोल मिलना आपके लिए? ऑडिशंस वगैरह? एक्चुअली इट वाज मोर डिफिकल्ट देन ऑडिशंस, क्योंकि जैसे आप अगर इनको देखेंगे जो कजरी है और मुझे देखेंगे रियलिटी में, वी हैव अ ह्यूज डिफरेंस इन पर्सोना। इन्होंने एक ट्रेडिशनल नथ पहनी हुई है। ड्यूरिंग ऑल द शूट आई यूज टू वेयर दिस नथ और मेरा ये आधा चेहरा पूरे 28 दिन के लिए दर्द करता रहता था, क्योंकि आप उतार नहीं सकते बार बार, इट गिव्स यू स्वेलिंग। वो एक ट्रेडिशनल नथ थी और मुझे वो जो जिन्होंने बहुत एजेड महिला थी उन्होंने दी, उन्होंने कहा उतारना नहीं इसको, पहने रखना, तो वो बहुत मुश्किल था इसको बॉडीली कैरी करना। मैं अभी आई थिंक आई एम 45 kgs और फिल्म में मैं 56 kgs थी, आई पुट ऑन 11 kgs फॉर दिस रोल, क्योंकि वो एक दूध दही का व्यापार करने वाला कैरेक्टर है और बहुत स्ट्रांग है, गाय भैंसों को चराना और बैल और ये सब, दूध निकालना, गोबर करना, ये सारी चीज़ें जो काम थे, शायद मैं अगर ऐसी रहूँ तो बैल ही मुझे घसीट के ले जाएगा। तो फॉर दैट टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, एक महीना पहले से उस लोकेशन पे रहना, मैं उस घर में 15 दिन रही हूँ जिसमें हमारी शूटिंग हुई है, वो परिवार की दादी नानी सब से रिश्ता बनाया है वैसा ही जैसा एक बेटी का होता है, तो वो लैंग्वेज पे काम करना क्योंकि मारवाड़ी बोली है हमने, और कजरी बन के रहना, तो आपको सब कुछ भूलना पड़ता है, अपनी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, व्हाट शिखा मल्होत्रा इज़, इंस्टा, फेसबुक, कुछ नहीं, तो एक नेचुरल होने के लिए शायद आपको वो बनना पड़ता है, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली से बॉर्न एंड ब्रॉटअप दिल्ली हूँ तो कोई मतलब नहीं था, गांव से कोई पाला नहीं पड़ा, और पंजाबी हूँ तो बिल्कुल ही अलग टाइप का कैरेक्टर, मैं तो बहुत बबली हूँ और इसमें शी इज़ वेरी सीरियस, वेरी इंटेंस, तो इट वॉज टफर देन ऑडिशन। की डायरेक्टर जो थे हमारे, उन्होंने ही टुक 3 years टू सी कि 2 साल में उनको ऐसा लगा कि हाँ 2 साल हो गए हमें एक दूसरे को जानते हुए, अब 3rd साल है, 1 साल तो फिल्म को ही हो गया, 2 साल लगे उनको ये देखने में कि हाँ ये इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि कजरी के बाहर को उठा पाएगी। आई थिंक ऑडिशन से नहीं होगा, ऑडिशन मटेरियलिस्टिक होगा, लेकिन मेरी जो व्यक्तित्व, अपना अपना जो रियल पर्सोना है, जो बेस है, वो कहीं ना कहीं कजरी से मिलता है। शी इज़ अ वन वुमेन, वन मैन वुमेन, और मुझे, मैं तो अभी खैर सिंगल हूँ, पति भी नहीं है, तो पतिव्रता तो नहीं कह सकती अपने आप को, बट येस आई ड्रीम ऑफ वन मैन, एक हो, खास हो इस टाइप का, और अ डिग्निफाइड पर्सोना, तो वो ऑडिशन देने की बजाय मैंने सांकल का पोस्टर देखा इंडिया हैबिटेट सेंटर में, कहीं शोकेस हो रही थी, मैं शुरू से इस टाइप की फिल्म्स की शौकीन रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा व्हाई नॉट टू कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ डायरेक्टर्स हु मेक सच काइंड ऑफ फिल्म्स और इंडिपेंडेंट सिनेमा, तो मैंने खुद इन्हें अप्रोच किया और बोला कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आई विश कि मैं कभी इस तरीके का सिनेमा आपके साथ कर पाऊँ। हमने 2 साल एक दूसरे से बातचीत किया, आई कीप ऑन शेयरिंग प्रोफाइल, मैं बैरिजोन एक्टिंग स्टूडियो से पास आउट हूँ बॉम्बे,
DFA 06 की टॉपर हूँ, बेरी सर से पर्सनली काफ़ी सीखने को मिला, तो उस दौरान इन्होंने मुझे सफ़र में देखा दैदी पी जी ने, कि अच्छा शी इज़ इंटेंस, और आई थिंक ये व्यक्तित्व ऐसा है जो कॉन्फिडेंस देखा, मेरा मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरी सहजता, कि बबली होते हुए भी कुछ तो वजन है कैरेक्टर में, तो उस टाइप का एक सफ़र। वो शायद ऑडिशन होता तो देना आसान होता है, एक दिन में दे दिया, लेकिन ये परीक्षा थी पूरे 2 साल की, जहाँ पर उनको ऐसा लगा कि फाइनली मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए जो मैं ढूंढ रहा हूँ कजरी, शी इज़ द वन, तो ऐसा कुछ। बेगा पंजाबी बोली पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो पंजाबी होते हुए आपके नॉर्मल हिंदी के एक्सेंट में भी पंजाबी आती है। मैं थोड़ी सी उसमें अच्छी हूँ, साहित्यिक रही हूँ बचपन से, मुझे कविताएं लिखने का, पेंटिंग्स बनाने का, और शास्त्रीय संगीत में निपुण हूँ। आई एम अ क्लासिकल सिंगर और कथक डांसर, और भी डांस की फॉर्म्स में कंटेम्प्रेरी और ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो मेरे लिए वो तो पंजाबी का एक्सेंट का प्रॉब्लम नहीं था कि मेरी हिंदी में भी पंजाबी आती हो, लेकिन हाँ राजस्थानी वॉज अ चैलेंज, कि आप उन्हीं लोगों के बीच में रहकर राजस्थानी सीखे बोले, जो चीज़ आपने कभी सुनी ही नहीं हो उस चीज़ को। अच्छा मैं ये भी नहीं चाहती थी कि जैसे आप नॉर्मली सीरियल्स में क्या होता है, राजस्थानी का मतलब आ रहे हो जा रहे हो होता है, मारा थारा होता है, तो माई डायरेक्टर वॉज सो स्ट्रिक्ट, ही डिडंट वॉन्ट अस टू डू एनी थिंग मारा थारा और ये सब, उनको चाहिए था कि बोलो तो कोर राजस्थानी बोलो, नहीं तो ऐसा इट्स नॉट सुटेबल फॉर द कैरेक्टर कि वो टूटी फूटी राजस्थानी बोले, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए शायद मैं 15-20 दिन उसी परिवार में रही, मुझे लगा ऐसे तो होगा नहीं, जब आप रोज़ सुनोगे, अब आप अभी थोड़ी देर उनके साथ बैठ के फिर आप होटल में जा रहे हो और आप फिर अपने ही उसमें रह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ही कजरी बन गई थी, और ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है कि आप दिल से करें, और अगर आप सब कुछ भुलाकर आप ये सोचिए, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो एक जीवन में बहुत सारे किरदार जी लेता है, तो मैं बहुत गांव पहुंच के बहुत खुश थी कि बकरी और ये और वो मेमना वो छोटा सा और बछड़े, इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे लगा अरे यार ये मौका है ज़िंदगी एक सादा जीवन जीने का, तो मैं सब कुछ भूल कर और लग गई थी कि कजरी हूँ मैं। सो आई थिंक दिल से करने से सब होता है, तो वो हो गया। नहीं, इट वॉज इन माई ऑल टाइम ड्रीम। मैं बचपन से शास्त्रीय संगीत सिंगर, मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे कि सिंगर बन जाऊंगी, तो मैंने गांधर महाविद्यालय से, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिंगिंग सिखाई, फिर कथक किया और भी डांस स्टाइल्स किए, फिर कविताएं लिखती थी, तो आई हैव बीन ऑलराउंडर पर्सोना ऑल टुगेदर। एंकरिंग मैंने शुरू कर दी थी जल्दी एज में, तो मेरे थोड़े लाइफ हैज़ बीन चैलेंजिंग। व्हेन आई वाज इन 8th, सो आई गॉट दिस फुल बॉडी पैरालिसिस अटैक, एंड आई वाज नॉट एबल टू स्टूड फॉर आई थिंक 2.5 साल मुझे लगे खड़े होने में, 2.5-3 साल। तो वो जो 2.5-3 साल का सफ़र था ना, उसमें बचपना तो रहा मेरे अंदर, लेकिन जीवन के मायने, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस, ऊपर वाले ने आपको अगर ये काया दी है तो उसका कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें छोटी उम्र में आ गई मुझे। और मेरी मदर शी स्टिल अ नर्स, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इस तरीके की कंडीशन से निकलना, और मैं निकल आई हूँ, उभर गई हूँ। मैं उसके बाद कभी स्कूल नहीं जा पाई, 10th 12th मैंने ओपन से किया, और उसके बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से गुरु गोबिंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पास किया अच्छे रैंक में, और मुझे मेरी मनपसंद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला, सफदरजंग हॉस्पिटल वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, BSc ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होल्डर हूँ मैं। तो मुझे ये हो गया कि अब मैं इस चीज़ से खड़ी हो गई हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करना है कि भाई आप चल सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप गिर गए कोई बात नहीं, फिर उठिए फिर चलिए। तो वो मेरे एक पैशन था कि मुझे नर्सिंग करनी थी और मुझे अब्रॉड सेटल होना था, लेकिन वो करते करते मुझे दिल्ली में, अब ये सारी कलाएँ तो थी, डांसिंग सिंगिंग ये सब तो था ही एक अंदर, तो मुझे लगा कि यार ये ड्यूरिंग जो मेरा 4.5 साल का सफदरजंग हॉस्पिटल का जो टेन्योर था पढ़ाई का, जिसमें हम सुबह से 7 बजे से 1 बजे तक हॉस्पिटल में रहते थे और फिर 2 से 4 लेक्चर होते थे हमारे, मुझे ऐसा लगा यार ये तो अगर मेरे अंदर से सिंगिंग डांसिंग और ये सब चीज़ें चली जाएंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो डिग्री कंप्लीट करती आज मैं मदर की, मेरी मम्मी को था कि आप डिग्री कर लो फिर आप कुछ भी करना, बट बी सेफ एज अ पेरेंट, हमको लगता है कि आप अगर कुछ इस तरीके की लाइन में जाओगे तो कल को क्या होता है, इट्स नॉट अ श्योरिटी ना। तो मैंने मम्मी को कहा कि मैंने डिग्री कर ली है, अब मुझे बॉम्बे जाना है, क्योंकि एक मैं 4th ईयर की इंटर्नशिप कर रही थी, तो एक इंटर्नशिप के दौरान मुझे रनिंग शादी पिक्चर मिली तापसी पन्नू की, सुजीत सरकार की, जिसमें मुझे कैरेक्टर मिला सेकेंडरी टू तापसी, वो मिल गई थी, वो शूटिंग कर ली, और मुझे अमित रॉय जो हमारे डायरेक्टर थे, सुजीत सरकार प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा करती हो मुंबई आ जाओ, तो मुझे तो ऐसा लगा पर लग गए, मतलब मैं अच्छा करती हूँ अच्छा,
तो वी आई केम टू मुंबई, फिर मुझे रनिंग शादी कुछ खास रिलीज़ नहीं हुई और मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई. मैं तो ये सोच कर चली कि मुझे चलना है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है. मुझे नहीं पता था लीड एक्ट्रेस लोग सोच के आते हैं मैं हीरोइन बनूंगी, मैं ऐसा करूंगी. मुझे लगा मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है. मैंने फ़ैन फिल्म, उसके बाद यशराज में ऑडिशन दिया, मुझे फ़ैन फिल्म मिली दूसरी, एज अ कैरेक्टर ही मिला मुझे. और रिपोर्टर का कैरेक्टर था मेरा, आपकी कैटेगरी में थी मैं, तो वो बहुत अच्छे से निभाया. शाहरुख खान ने भी मुझे गले लगाया और बोला यू डूइंग वेरी गुड, आगे बढ़ो. तो मुझे लगा अच्छा चल रहा है. तब तक भी मुझे नहीं पता था कि लीड एक्ट्रेस बनना है या मैं जो कर रही हूँ वो कैरेक्टर होता है, कहीं कैरेक्टर ही ना बन के रह जाऊँ. अल्लड़ थी मैं तो डर नहीं, अल्लड़ थी तो डर नहीं था, इसीलिए आई थिंक मैं कर गई. उसके बाद मैंने लास्ट ईयर एक पंजाबी फिल्म की, लकी कबूतर, एक घंटे की फिल्म थी, PTC पंजाबी चैनल के लिए बनी थी वो. एंड नाउ देन आई केम टू दिस कांचली. और तमिल फिल्म एक कर चुकी हूँ मैं एज अ लीड, वो श्रीलंकन प्रोडक्शन हाउस था, श्रीलंका में ही शूटिंग हुई, इट विल बी रिलीजिंग इन श्रीलंका ओनली. तो वो एक सफ़र रहा मेरा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कैरेक्टर क्या होता है, लीड क्या होता है. आई वॉज अ आर्टिस्ट, आई एम अ हार्ड कोर आर्टिस्ट, और मुझे आज भी सपने मेरे बहुत ऊँचे नहीं हैं. मुझे ये है कि मुझे, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है, मुझे कैमरा और लाइट्स और कैरेक्टर और ये जो एक जीवन में ढेर सारे किरदार जीने का जो नशा है ना, वो मुझे लगता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे गाना है, डांस करना. और बेसिकली इस फिल्म का आप कॉस्ट्यूम देखेंगे तो मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ इस फिल्म की ऑफिशियल. आई वॉज द ओनली वन डायरेक्टर के अंडर रहकर मैंने इसका कॉस्ट्यूम किया और गाना भी गाया, क्योंकि मुझे था कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो पहले अपनी फिल्म से ही करनी है, अब चाहे 10 साल लग जाए. तो मुझे मौका बहुत जल्दी मिल गया अपनी फिल्म में, तो एक गाना गाया है इसमें और कॉस्ट्यूम भी किया है. तो आई थिंक आई विल बी ऑलराउंडर इन इंडस्ट्री. शायद मुझे जो डायरेक्टर्स ले लें उनको बहुत सारे अन्य फायदे होंगे, दे विल गेट बेनिफिट्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स उन्हें मुझसे मिलेंगे. सो आई थिंक हाँ मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है. नहीं, कोई डर नहीं लगा, शायद डर लगता ही नहीं है मुझे किसी भी चीज़ से. लेकिन आई वॉज एक्साइटेड मोर ओवर, मुझे लगा अरे संजय मिश्रा है और ऐसे वो ढूंढू और ये सब देख देख के यू आर जस्ट बूस्ट अप. और आपसे ज़्यादा आपके सराउंडिंग्स वाले, परिवार वाले सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि हु इज़ द को स्टार. तो पहली ही फिल्म में संजय मिश्रा जैसे धुरंधर सामने थे, मुझे डरने की बजाय मुझे ऐसा लगा यार ये कितना पॉजिटिव, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन मोर ओवर. तो मुझे लगा ये पॉजिटिविटी है कि पहली फिल्म आपको संजय मिश्रा जी के साथ मिल रही है, तो क्या किस्मत है और यही पहला और आखिरी बार है और मुझे निभा जाना है. तो आई थिंक संजय मिश्रा इज़ अ पर्सन जिनको, जैसे उन्होंने कहा कि नए लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, ही सो सपोर्टिव कि वो दोस्त हैं. आप उनको संजय जी बोल, वो बोलेंगे अबे संजय बोल, सो इज़ लाइक दैट. तो उन्होंने बिल्कुल दोस्त बना लिया मुझे और बहुत ही प्यार से मुझे एकदम, आपको जज नहीं करते हैं, आपको ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि सीनियोरिटी का ज्ञान बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में लगता है ना कि बड़े हैं और छोटों को बहुत ऐसा लगता है कि. उन्होंने कभी मुझे कुछ बताने समझाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बोला बी यू, बी कजरी, अभी के लिए कजरी रहो और शिखा मल्होत्रा को भूल जाओ. तो वो एक टिप थी ज़बरदस्त. और उनका जो बिहेव था बहुत सपोर्टिव था, कोई सीनियोरिटी नहीं और एकदम लगा ही नहीं कि मैं नहीं हूँ. मुझे ऐसा लगा पता नहीं सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, सालों से काम कर रही हूँ. तो इट वॉज़ अ गॉड गिफ्ट ऑल्सो कि डर नहीं लगा. लेकिन संजय जी का साथ और डायरेक्टर हमारे जो थे, वो एक स्पेशल चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बीइंग अ डायरेक्टर उनका एक ये खासियत है कि वो ना अपने आप को थोपते नहीं हैं आप पे. तो शायद ऐसा होता है कि सभी में दैदी पे जोशी ना नज़र आए, पता चले संजय जी में भी दैदी पे जोशी नज़र आ रहे हैं, शिखा में भी वो, उनको ये है कि छोड़ दिया है आपको और आपके अंदर क्या है वो निकलवाना चाहते हैं. ही सेज कि आप करके दिखाओ, आप करो, आपके अंदर क्या है कजरी को लेके, मैंने तो जो कहानी लिखी है वो लिख दी है. तो वो एक फ्रीडम जब आपको मिलती है ना, आई एम वेरी लकी कि पहली फिल्म में ऐसी फ्रीडम मिला, नहीं तो नई लड़की और इस तरीके से वो कहीं से भी कोई दबाव नहीं आया. तो वो फ्रीडम के साथ जो मुझे हेल्प मिली निभाने की, तो मैंने जो निकाला वो संजय जी को भी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया. तो मुझे एक अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आगे के लिए आई एम ऑल सेट, कि मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं बनी किसी की भी कहीं पर भी. तो वो एक अच्छा रहा, सपोर्टिव फ्रॉम डायरेक्टर एंड ऑल द को एक्टर्स. ललित परिमू जी थे जो, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ठाकुर का कैरेक्टर था, इट वाज अ हैवी वन टू रिबेल, कि बहुत मुश्किल था उनको उस तरीके से लेना नेगेटिव कैरेक्टर को, लेकिन वो बहुत अच्छे सपोर्टिव रहे. नरेश पाल सिंह जो किश्नु मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर किया, ही वाज वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छे से उन्होंने एक रेसिप्रोकेट करना होता है आपको, जैसे सामने से, अब मैं अगर अच्छी हूँ और सामने से अच्छा आ रहा है तो आप डबल अच्छे हो जाएंगे. तो वो हुआ. तो आई थिंक मेहनत और साथ में किस्मत भी है कि गॉड हैज़ बीन सो काइंड विद मी. तो यस, आपको स्क्रीन पर देखने मिलेगा और कब उन्हें खुशी मिलेगी.
Wow. So all right, I guess I'm very happy to do this film, Kaanchli. So it's my debut Hindi feature film and coming to all the theaters nearby you on 7 Feb 2020. Please, aap ye film dekhe aur mujhe accept kare, mujhe achha lagega. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. संजय सर मूवी आ रही है आपकी कांचली।